Hello students, now we will discuss about arranging the speech of explanatory sentences. And in explanatory sentences, that I have told also in previous that any direct speech in any tense, any sentences, it will change into statement. जिस कोई भी explanatory हो, question mark हो, कुछ भी हो indirect speech में ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग रिपीटिंग वर्ब की क्या यूज करेंगे ना, हम लोग एक्सक्लेम्ड, एक्सप्लेन्ड, डिक्लेयर, क्विज, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। सब रिपीटिंग वर्ब के जगह हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, एक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड, डिक्लेयर, क्विज, ठीक है। एंड और इसमें क्या होगा ना, एक्सक्लेमेशन जो साइन है, ठीक है, जो कि क्या रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन साइन रहते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सी सेड व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वोटेशन क्लोज, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, ठीक है, एंड सी इसको जब ट्रांसफर करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड क्या किया था, दैट ये सब हट जाएगा, ठीक है, दैट हो जाएगा, जब क्वेश्चन रहेगा तब होगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन साइन पैच देखते ही तुम लोगों को पता चल जाएगा ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दैट लाएंगे, ठीक है, तो दैट लाएंगे, कभी कभी दैट भी नहीं लाएंगे, ठीक है। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चेंजेस है, एक्टिव पैसिव वॉइस में हो, नेसल चेंज में हो, ये क्या सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम दैट, ये क्या होगा दैट ना, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, और बाहर पास्ट है, वो पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो पहले हम बोले थे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है। तो इट वाज वंडरफुल साइट, ठीक है। प्रकाश सेड टू नरगिस हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं, तो प्रकाश विश नरगिस हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज एक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड, डिक्लेयर, ठीक है, एंड विश्ड, ठीक है। एंड तो हम बोल रहे थे राहुल सेड टू नवीन कोमा कोटेशन दैट अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है, ऑन लीग फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द, तो इसमें देखो एलास में दुख मैच हार जाने के बाद क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम विद, एक्सप्लेन प्रकाश नहीं प्रदीप होगा सर, सब्जेक्ट में प्रदीप है, प्रदीप किसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन प्रकाश, ये दुख है। तो जब कोई सोरोफुल थिंग्स होगा विथ सोरो, जब हैप्पीनेस होगा विथ हैप्पी, ठीक है। प्रकाश With sorrow और sorrow और grief, grief भी use कर सकते हैं। That तो we क्या हो जाएगा ना, first person second number, फिर तो वही रूल सब के लिए, वही रूल होगा, one two three S O M, ठीक है। तो second number first person के लिए क्या subject वाइज, subject को मैं प्रदीप, तो प्रदीप और प्रकाश दोनों मिलके इधर we हो रहे हैं, तो they हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, दे मी हो जाएगा, दे। और हम ये प्रेजेंट परफेक्ट में है,
इसमें चेंज नहीं, बाहर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, दे हैव लॉस्ट द मैच। प्रकाश, हम इसके जगह बोलेंगे प्रदीप सेड टू प्रकाश हुर्रे वी हैव ओन द मैच, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रदीप एक्सक्लेम्ड प्रकाश विद जॉय दैट दे हैव ओन द मैच, दे हैड जॉन ओन द मैच, ओके। क्योंकि हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, बाहर पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कैन कमेंट एंड कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, ओके। सो टिल हैव अ नाइस डे एंड से सेम आल्सो।